Now I request to Alok Dubey, sir, FSM from ICA EduSkills Private Limited, to give his inputs to our students. Thank you, Arshia ma'am. Thank you. Good afternoon to all of you. Am I audible to all of you? I would like to know from the chats of the students. Please type yes if I'm audible. Getting. Yes. Okay. So, no issues. So, अभी मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के कॉम्बिनेशन में हम बात करेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा सबको, धन्यवाद करना चाहूंगा अर्शिया मैम, डॉक्टर आशा पाटिल मैडम, डॉक्टर भास्कर इंगावे सर, सुमित अरोरा सर जो अभी मेरे बात बोलने वाले, अजाज सर, विनोद सर, सौरभ बैनर्जी सर जो पूरा टेक्निकली हमारे को ड्राइव कर रहे हैं, आचल जैन मैम जिन्होंने अभी इतना अच्छा गाइडेंस दिया बच्चों को, मनोज सर और डॉक्टर दीपक देशपांडे सर, मैं सभी का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इतने कीमती अपने लॉकडाउन में भी अपने जो बाकी मीटिंग्स को छोड़ के हमारे को एक कीमती समय दिया उन्होंने यहाँ पे. अभी मैं आपको बोलता हूँ कि जैसा अभी मैं आपको आईसीए की तरफ से, मैं एफएसएम हूँ, मैं बात करूंगा आपसे. आईसीए जो कंपनी है विच हैज बीन फाउंड इन द ईयर ऑफ 1999 बाय डॉक्टर नरेंद्र श्याम सुखा सर जो हमारे चेयरमैन हैं, he has a vision and mission ki unhone ye jo company kholi thi, so in the year of 1999 he has found the gap between the industry, what the industry wants and what the students are having, so we are acting as a bridge between the students and the companies, so that the jo bachcho ko jo pura skills hai wo pura unko hum bata paye, unko hum pura train kar paye, not even sirf hum bata paye but unko practical experience dete hain, to usme se kya hota hai ki companies ko pura स्किल लेबर मिलता है, स्किल्ड स्टूडेंट्स मिलते हैं जिससे उनको काम करने में काफी आसानी होती है. ICA EduSkills is the India's leading training and skill development institute specializing in accounts, finance, taxation and other job oriented courses. Whereas GST, SAP, Tally and other course modules are also there. We offer best in class training and placement services with a mission of to minimize the unemployability in India. As we are the official partner of NSDC, also National Skill Development Corporation. हम अभी इतने में हम यहाँ पे वेबिनार कर रहे हैं. वी हैड नेवर, हमको कभी ये नहीं पता था कि आज से जब 22 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था, वी वेर नॉट नोइंग कि ऐसा कुछ लॉकडाउन होगा, कोरोना इतना इम्पैक्ट होगा. बट अभी हम कोविड के ऊपर हम इतना बात कर रहे हैं, न्यूज चैनल पे देखते हैं, हम डर जाते हैं कोविड हो रहा है. बट अब एक चीज ये देखिए कि अभी तक कोरोना के ऊपर कोई दवाई नहीं है, बट स्टिल इन इंडिया पीपल आर रिकवरिंग, इन अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर रिकवरिंग. व्हाई? विदाउट मेडिसिन लोग रिकवर हो रहे हैं. Because the willpower of surviving, कहीं ना कहीं उनको आगे और जीना है. तो similarly we have to, जैसा आचल मैम ने भी बताया कि there are plus and minus of each and everything, कि हर चीज का plus side effects भी होते हैं, कुछ इसके benefits भी होते हैं. तो ये कोरोना post lockdown के बाद like बहुत सारा opportunities आएगा. Jobs जो जाने वाले हैं वो सिर्फ जाने वाले नहीं है, वो उनके रहेंगे, सिर्फ we have to change the way. बिकॉज जैसा हम वी वेर नॉट नोइंग कि हम कभी जूम पे ये सब बच्चों से हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करेंगे, बिकॉज इसके पहले हम फिजिकली हम सेमिनार लिया करते थे या कुछ कहीं फंक्शन हो तो वहां मिला करते थे, लेकिन अब हम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं. तो जैसा मैम ने बताया कि प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज नई नई आ रही है, जॉब्स भी काफी नए नए आने वाले हैं, सो वी हैव टू बी स्किल्ड, बिकॉज वी हैव टू नो कि हाँ ये चीज ये हो रही है, ये चीज ये हो रही है. तो ग्लोबली देर आर लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग ऑन. सिमिलरली हमारा जो कंपनी ICA है, हम यहाँ पे जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जिसमें हम उनको फिजिकली लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम काम कराते हैं, अकाउंटिंग जो टैक्सेशन फाइनेंस जो हम उनको बच्चों को जो कोर्स कराते हैं, तो हम यहाँ पे उनको टोटल फिजिकल लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम काम कराते हैं यहाँ पे बच्चों से, ताकि वो पूरा समझ सके कि एग्जैक्टली होता क्या है. सॉरी. ICA टेक्स प्राइड इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडिया स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स not only as a independent setup but also as a training partner for multiple educational brands and government projects. hum logon ne sirf aise hi nahi ki humne individually kara hai, hum government projects ko bhi government ke sath mein bhi karte hain. like with over 200 training centers across the country, we are recognized to the best training institute in India and widely appreciated for our works by many brands and organizations every year. like outstanding contribution towards skilling by ASSOCHAM in 2018 we had got the award. बेस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग कंपनी बाय वर्ल्ड वाइड अचीवर्स 2017 में हमारे कंपनी को मिला था. नेशनल एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड बाय ब्रांड्स एकेडमी 2016 में मिला था.
बेस्ट वोकेशनल कोर्सेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स बाय मुंबई यूनिवर्सिटी 2013 में हमारे को मिला था. तो ईयर बाय ईयर वी आर अचीविंग द अवार्ड्स एंड लाइक वी आर हैविंग अराउंड स्टूडेंट बेस ऑफ 5 लाख प्लस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वी हैड प्लेस्ड विद अ प्लेसमेंट गारंटी कि हम उनको जो हम ट्रेन करते हैं वो ट्रेन के साथ ही साथ हम उनको आगे पूरा लाइफ टाइम प्लेसमेंट भी देते हैं कि अप टू अ सर्टेन पीरियड अंटिल अनलेस दे गेट स्टेबल. सिमिलरली अभी जो लॉकडाउन में जो परिस्थिति हम देख रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि जीडीपी कम हो रहा है, पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, बहुत लोगों की सैलरी नहीं आ रही है. जैसे आचल मैम बता रहे थे कि कंपनीज लीव विदाउट पे बोल रही हैं, तो इवन वी आर ऑल्सो लाइक हमारी कंपनी भी ये सब चीजों को समझ रही है, देख रही है. सिमिलरली अभी हमने ये ड्यू टू लॉकडाउन जो चल रहा है तो इसी के लिए कैसा है, कोई चीजें रुकी नहीं है, सिर्फ हमारा बाहर निकलना रुका है, बाकी हम सब काम कर रहे हैं घर से. तो बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे अपने वेबिनार भी कर रहे हैं, कुछ अपने ट्यूशन क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, कुछ कैसे ना कैसे हम सब आगे बढ़ रहे हैं अपने घर से बैठे बैठे. सिमिलरली हमने आईसीए में भी हमने पोस्ट लॉकडाउन ये लॉकडाउन ऑफर में हमने भी एक वो चलाया हुआ है लर्न अर्न एंड पे लेटर. दैट मींस आपको अभी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस महसूस हो रहे हो या आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो सिमिलरली हमने भी वो चीज को नजर में रखते हुए हमने भी एक चीज डिजाइन करी लर्न अर्न एंड पे लेटर, जिसमें आपको अभी पहले पढ़ना है. हमारा जो कोर्स रहेगा वो हम आपको पूरा जॉब गारंटेड हम पूरा पढ़ाएंगे, विच यू हैव टू पे एक छोटा सा एक 1000 रुपीज का एक अमाउंट है विच यू हैव टू पे फॉर अपकमिंग 6 मंथ्स रेगुलरली. आपको जो भी फीस का जो इंस्टॉलमेंट रहेगा दैट विल स्टार्ट आफ्टर योर प्लेसमेंट विद द ईएमआई विल बी डेबिटेड फ्रॉम द 7 मंथ्स ऑनवर्ड्स. सो इसका डिटेल्स आपको बाद में हम दे देंगे आपको आफ्टर द वेबिनार. मैं आपका और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नहीं तो बच्चों को लगेगा कि आज हम बोर हो रहे हैं करके. And I would like to thank you all the students who are going to make the webinar successful. Thank you, Arshia ma'am. We'll request you to take the charge, please. Yes. Thank you so much, sir, Alok sir. अभी हमारे सभी guest के introduction और उनका जो speech है, जो guidance है, वो भी हो चुका है. And अभी जिसके लिए हमने webinar ये start organize किया है आप सभी के लिए. कि जो मार्केट में क्या सिचुएशन है इसकी आपको जो नॉलेज मिलना चाहिए, जो आपको मिस्टर सुमित अरोरा सर देंगे, अभी उनके पास ही माइक जाएगा. उसके पहले मैं आपको ब्रीफ में अबाउट स्मार्ट कोर्सेज के बारे में बताऊंगी. लाइक आपने पूछा था अकाउंटिंग के कोर्सेज के बारे में. सो आवर सेंटर नेम इज SNDT TMF स्मार्ट सेंटर, जो कि करवे रोड पे है. SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी सभी को पता होगा जो पुणे में है, SNDT कॉलेज. एंड वहाँ पे हमारा ये सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन में. ये सेंटर हमारा 3 साल से है और हमारे पास अकाउंटिंग के GST अकाउंट असिस्टेंट एंड GST यूजिंग टैली ERP 9 और उसके साथ ही साथ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के भी कोर्सेस है. और हमारी जो हम सिर्फ आपके पास से रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लेते हैं जो कि 500 रुपीज है, और आपका जो पूरा ट्रेनिंग होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का ये आपका कोर्स होगा एंड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा टेक महिंद्रा फाउंडेशन की तरफ से, और हम SNDT की तरफ से भी आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं. लाइक फिर आफ्टर द कोर्स यू विल गेट द 2 सर्टिफिकेट्स. एंड हमारे यहाँ से प्लेसमेंट असिस्टेंट्स भी होती है. लाइक मार्केट में कहाँ कहाँ पे जॉब अवेलेबल है वहाँ पे हम आपको भेजते हैं. प्रॉपर इंटरव्यू होने के बाद ही आपका जॉब सिलेक्शन होता है. एंड यस, ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइक मैंने पहले ही बताया था कि जो सोशली वीकर सेक्शंस में जो लोग आते हैं उन्हीं के लिए ये कोर्स है, जो बाहर फी नहीं दे सकते हैं उनके लिए ये कोर्स है. अलग अलग कम्युनिटी में से हमारे यहाँ पे से स्टूडेंट्स आते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट इट इज ओनली वुमेन्स यूनिवर्सिटी, सो हमारे यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स होते हैं, नॉट बॉयज. और अगर आपको अलग डोमेन में कोर्स करना होगा तो उसके लिए हमारे पास पूरे पुणे में लगभग 7 to 8 सेंटर्स है जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को पढ़ाया जाता है. लेकिन यस, डेफिनेटली अकाउंट्स का डोमेन सिर्फ SNDT में है. एंड सेकेंड थिंग, आफ्टर द लॉकडाउन हम लोग रीस्किलिंग पे वर्कआउट करने वाले हैं. लाइक कि जो लोग अभी जॉब कर रहे थे उनका, बहुत सारे लोगों का जॉब जा चुका है, वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो उनको मार्केट में जिस तरह की जॉब अवेलेबल होंगे उस तरह से उनको रीस्किल करेंगे. मीन्स एक 2 वीक्स का उनको ट्रेनिंग देंगे जो जॉब्स अवेलेबल होंगे, एंड देन उनके लिए हम प्लेसमेंट के लिए भेजेंगे. तो अभी ये दोनों चीज हमारे यहाँ पे है, 4 मंथ्स के रेगुलर कोर्सेज एंड द सेकेंड थिंग आफ्टर लॉकडाउन द रीस्किलिंग कोर्सेज. तो आप लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं आफ्टर द वेबिनार. हमारे ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिंक भेज दी जाएगी और हमारे
सेंटर के ब्रोशर्स भी भेजेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप सभी लोग ज्वाइन करते हो और हमारा स्मार्ट सेंटर. थैंक यू सो मच. एंड नाउ आई रिक्वेस्ट टू सुमित अरोरा सर टू प्लीज स्टार्ट अ वेबिनार. थैंक यू सो मच. Okay. I believe morning से afternoon हो चुका है and I should wish you a very very good afternoon. Just to check if I'm audible, give me a thumbs up or a reaction or somebody talk about it and then I can begin. Yes sir, you are very much audible and visible. Thank you. So let's begin. 15 April 1978. Long, long back, there was a reporter from ABC News, Miss Barbara Waters. और Barbara Waters को एक interview लेने के लिए कहा गया. And the interview was of Mr. Muhammad Ali, the boxer, the world heavyweight champion that time. और उनका interview लेने के लिए Barbara जो reporter थी of ABC News, she went to the practice place where मोहम्मद अली यूज टू प्रैक्टिस. उन्होंने जाके मोहम्मद अली को कहा आपका इंटरव्यू लेना, और मोहम्मद अली ने कहा आफ्टर माय प्रैक्टिस. बारबरा ने सोचा चलो वेट कर लेते हैं, कितनी देर प्रैक्टिस करेगा, एक घंटा, आधा घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, लंच टाइम तक प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद तो मिलेगा, तब इंटरव्यू ले लेंगे. बारबरा वेट करती रही, शी केप्ट ऑन वेटिंग, और मोहम्मद अली अपना प्रैक्टिस करते रहे. ही वॉज बिल्डिंग हिज स्टैमिना, शेडिंग हिज स्वेट, प्रैक्टिसिंग मूव्स, डिफेंस, ऑफेंस, अपने कोच के साथ सब चलता रहा. प्रैक्टिस करते करते शाम के 6 बज गए. बारबरा का हौसला कम हो गया और वो जाके मोहम्मद अली को बोली यार अब तो 6 बज गए, योर अपोनेंट माइट हैव आल्सो स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग, तुम्हारे कंपटीशन ने भी प्रैक्टिस बंद कर दिया होगा, तुम भी आ जाओ बाहर, क्या कर रहे हो. सो मोहम्मद अली से स्माइल की और आगे चले गए. प्रैक्टिस और थोड़ी देर करते रहे और रात को 10 बजे जब वो प्रैक्टिस खत्म करके वापस आए तो उन्होंने कहा व्हेन आई प्रैक्टिस एज माय कॉम्पिटिटर रेस्ट ओनली देन कैन आई से आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट. मोहम्मद अली ने कहा कि जब तक मेरे कॉम्पिटिटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक मैं प्रैक्टिस तो करता ही रहता हूँ, उसके अलावा जब कॉम्पिटिटर रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, वेब सीरीज देख रहे होते हैं, तब मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ और उसी से मैं चैंपियन कहलाता हूँ, उसी से मैं बेस्ट कहलाता हूँ. Yes, my friends, all those people here in this webinar are the champions, are the best people because you are investing your time to upgrade yourself, to improve your skills. Un logon se, un doston se kafi behtar hain aap, kafi unko hara payenge jab job interview mein aap honge aur wo honge, and that is the time because you have invested your time to learn something. यही नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल तो है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें, लर्न करते रहें अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा, अपने कलीग से ज्यादा. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आज से एक महीना पहले हुई, ये तो साल भर पहले हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 1 month बैक मेरी जब बात हुई SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दीपक देशपांडे जी से, जो मैडम है अर्शिया, अंचल जैन, इनसे. When we are planning this webinar, तो उस समय सबसे important बात ये हुई थी कि कितना fast हम काम कर सकते हैं. जैसे कि एजाज साहब है ICA के vice president, zonal head यहाँ के, उसी तरह से they were deciding upon what to do and how quickly to do. And this is something which was coming up कि it will not be the survival of the fittest, but it will be the survival of the fastest, which is in place. And within a period of 1 month, everything changed. From thinking of how to connect with students to today in the webinar, jahan pe around 250 people have logged in and many are on the Facebook Live, etc. This team brought in what was most important, that they brought in all questions from the people and curated it and gave it to me saying, ye boss top 10 questions hai jinko ki aapko address karna hai and then we can throw it open for discussion. And that's the speed. The second important thing, one is to be consistent, persistent in upgrading yourself, and second, be fast. If you are not fast to change, to adapt, you would definitely lose. Now, let me bring on one important question for you all. I'll be throwing up a poll
And I'll be asking you, what are the most important things that you are doing during the lockdown? मैं आपको पूछने वाला हूँ कि अब आप लॉकडाउन के अंदर आप क्या कर रहे हैं. इट इज अ मल्टी चॉइस एक्टिविटी. आपको जो उसमें दिल करता है वो आप लिख सकते हैं. एक छोटा सा आपके सामने पोल आया है. यू हैव टू, यू कैन सिलेक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू. यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन थिंग्स. लेट्स सी वॉट द रिजल्ट आर. क्विक. So we have close to 50 people responded out of 238. 75, 90, 100. Closing the poll in another 10 seconds. Quick. Anybody wants to reply more? 150 people responded. Awesome. Now the responses are slowing down. I believe बाकी लोग access नहीं कर पा रहे हैं शायद, या कहीं और ध्यान है. So 172, 173 people have responded as of now. Let's end the poll and see what the answers are. Last 30 seconds. If anybody is just waiting, choose करने में मुश्किल हो रहा है तो आपके लिए 10 सेकंड और बाकी हैं. ओके, सो लेट्स एंड द पोल हियर एंड सी व्हाट रिस्पॉन्सेस वी हैव आउट ऑफ 180 पीपल हु हैव रिस्पोंडेड टिल नाउ. ओके, एंड हियर कम्स द रिजल्ट्स ऑन योर स्क्रीन. वाओ, सो हाईएस्ट गोज इज अटेंडिंग वेबिनार्स. असम, व्हिच इज 42%, 74 out of 178 people says that they are attending webinar. A good round of applause to you all. Very, very good, sir and ma'ams. All those students who are spending time, around 74 out of 178, you are far, far ahead than others. Second goes is 41%, which is attending virtual lectures and doing e-learning courses. Another round of applause for you all. Congratulations, you are doing great. उसके बाद आता है 32-31% के आसपास एक्सरसाइजिंग. वेरी वंडरफुल सर, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अपने इसका ख्याल रखें. एंड देन कम्स आवर फेवरेट, मूवीज एंड वीडियोस ऑन द इंटरनेट, वाचिंग वेब सीरीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. मनोरंजन भी इम्पॉर्टेंट है नेवर द लेस. बट येस, वॉट इज समथिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अपग्रेड योर सेल्फ इन द लॉकडाउन, एंड दैट इज वॉट मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग हियर. Great. Let us now get into a question which was answered by even Achal and many more people before, but I'll just put that question across again. How will be the industries after the lockdown? Will there be a lot of recession, or kaun si aisi industries hongi aur wo kya kar rahi hongi? Why I'm asking, why I'm putting this question again is, I have done some research, worked with certain webinars, talked to various people, understood what the big five have to say, and saw what they have to really talk about the industries across the world. आप अभी स्क्रीन पे अगर देखें तो there are three thumbs ups. One is green, one is red. Green मतलब ऊपर, some industries which will be doing good. Red would be below, and those thumbs up जहाँ पे हैं, those will have to be observed and they'll have to change a lot. इन इंडस्ट्रीज को देखने का रीजन आपके हिसाब से, फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर अ जॉब, यू हैव टू बी अवेयर विच इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो एंड विच इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू ग्रो, एंड दैट इज समथिंग विच यू हैव टू लुक एट. इफ यू लुक एट द स्क्रीन, हेल्थ केयर, मेडिसिन, अल्टरनेट एनर्जी, होम गार्डनिंग, स्पिरिचुअल साइंसेज, दीज आर द न्यू ट्रेंड्स विच आर गोइंग टू पिक अप. दीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर गोइंग टू ग्रो अलॉट. दे आर गोइंग टू गो डैशिंग अप. E-commerce, data sciences and marketing. If anybody is very good in his communication skills and says मैं sales or marketing करना चाहता हूँ, तो boss, this is another field, small and in every industry required, which you could look in for. Insurance, stock market and gaming. गेम लोग खेल रहे हैं, आप भी खेल रहे होंगे, और गेम्स का बनना और उनका इम्प्रूवमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट बढ़ रहा है.
So these are a few industries which are going to go up. You should remember them. Take a screenshot if you want to. Look at the industries which are going to go down or which have already started going down, where some kind of recession is being seen. Luxury goods, fashion, hotels, tourism, travel, malls, cinemas, restaurants, live sports. Virat Kohli bhi ghar pe baitha hai bhai. Automobile, real estate. These are the industries which have something to worry about. They'll have to reinvent themselves and it's not going to be easy for them. So we are going to see some amount of loosening down in them. Let's look at the industries jo 50-50 mein hai ya jinko kaafi change karna zaruri hai aur jo change aasani se kar bhi sakte hain. These are the industries which are IT, ITS services, accounts, taxation, banking and finance, education, logistics, marketing and sales. Marketing do jagah pe aa raha hai, upar bhi hai, niche bhi hai. Kyon? Kyunki ab marketing aur sales ka tarika badal raha hai. Logistics aur education ka tarika badal raha hai. You would have never thought of ki hum ghar pe baith ke padhai karenge aur seekh lenge. This is something which is changing. A very important question for you to understand ki aap kaun si industry ki taraf badhe, kyunki jo goal aap set kar rahe hain wo goal kis industry mein aa raha hai. Green wali thumbs up, red wala thumbs down ya thumbs up thumbs down, ye important dekhna aapko zaruri hai. At this slide, this first question, if you have any questions which are coming in the chat, I would read them and answer them. Please keep typing questions on your chat as and when they come to your mind. Right? Abhi to koi questions nahi dikh rahe hain. And any of my co-hosts, if you see if there is any question you want to read out, anytime you can interrupt me. This is not a monologue at all. Chaliye. Ek step aage badhte hain saab. From this question of industries, let me take you to one more interesting thing. जॉब्स तो हमने देख लिए कहाँ पे ज्यादा बेहतर होगा कहाँ पे कम होगा. अब स्किल्स की बात करते हैं. स्किल्स के बारे में भी काफी रिसर्च करना जरूरी है क्योंकि ये वो पुराने वाले सिर्फ स्किल्स नहीं रहेंगे जो आपके स्क्रीन के सामने है कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा. और इस स्किल्स के ऊपर भी मैं आपके सामने एक छोटा सा पोल रखना चाहूंगा. आई लाइक टू सेंड यू इन टू अ थॉट प्रोसेस कि आपको क्या लगता है कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है जॉब के लिए. यू हैव टू सिलेक्ट टॉप 3 स्किल्स फॉर योर जॉब इन द BFSI सेक्टर. आपके सामने जो पोल आ रहा है उसके अंदर से आपने सिर्फ 3 स्किल्स चूज करने हैं जो आपको लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर यू एज अ पर्सन हु इज अ प्रोफेशनल हु वुड लाइक टू एंटर इन टू द बैंकिंग फिनेंस इंश्योरेंस सेक्टर. रिप्लाई करना शुरू कीजिए. पोल हैज स्टार्टेड. डोंट सेलेक्ट मोर देन 3. आई बिलीव यू ऑल एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स ब्रिंग इन. वंडरफुल, 25 पीपल हैव आंसर्ड इन 30 सेकेंड्स. दैट्स एन ऑसम स्पीड. लेट्स लुक एट अ फ्यू मोर. क्रॉसिंग 85 नाउ. 3 मोर टू गो एंड 100 क्रॉस्ड. That's awesome. So there's a question in the chat box as well. If you could have go ahead. Talk it's about from it. Charmi Gawai, if I have spelled him correct, pronounced him correct. He's asking, is banking sector is permanent and secured for income and salary rather than IT or private jobs? Wonderful. So IT, ITS would go towards the saturation someday. If they do not innovate and get into artificial intelligence, machine learning, etc. Banking is an industry in India which is flourishing now and is stable and is going to grow a bit more. Yes, you must have heard of lots of consolidation happening, but that is not to be worried. India is not yet towards saturation in the banking industry. India yet has a huge scope for the banking industry to improve. After Narendra Modi did demonetization and started that banking ka huge thing, it has improved a lot, but yet there is a huge scope. So even as compared to IT, ITS, banking in India has a larger scope. IT, ITS, artificial intelligence and machine learning, only these are the two very important field where yet a lot of growth is required. Otherwise, many things have saturated there. Thank you. We have 175 responses come up. I believe we should stop. That is sufficient for people who are fast and smart and quick. And let's see in the poll. 2 minutes we have given to the polling. Thank you for that question.
and here are the results. Wow, believable or unbelievable, whatever I may say. Effective communication skills is coming on the top, 69%. 123 out of 177 people say effective communication skills is important. Yes, my friends, this does not mean only English communication. It means effective communication in all languages, English being one of them. Apart from that, if you look at the next best comes as 48%, which is maintaining GST returns, 40% using online, offline banking instruments and tools. 31% says online income tax filing, etc. And then comes a tally around 30%. Very true. Data entry skills, 32%. I have one doubt. Data entry skills is going to go out. So all those 56 people who have chosen data entry skill in the top three, sir, request hai, ma'am, request hai. Data entry skills are not going to be required, not immediately, but in the near future. Data entry skill is the very basic, sabse niche ke paidan ka job hai, and slowly that is going to be taken over by the IT/ITS companies, which is machine learning and artificial intelligence. Is bar bhi dekhiyega, aapne jab register kiya hoga is webinar ke liye, to data humne aapse automatic pooch liya, aap hi se kaam karwaya. There was no person who was feeding the data here. So data entry jobs is going to be automated. So data entry ko top three skills mein mat rakhiye, apne resume mein se hata dijiye agar aap data entry skills ki baat kar rahe hain. So let me also share with you what I think, what I have studied, what I have observed are the skills which are going to be required post lockdown. And the skills sir, which are going to be required. Sorry to interrupt, sir. So there is another question from Kokila Gopapa Krishnan. Go ahead. So she's asking, due to COVID-19 merging of banks, will it be affected or is it benefit for customers? Okay. So what will be scenario post COVID-19? That is our question. Wonderful. So two important things. What will be the scenario post COVID? So banks are in COVID are relaxed. Two reasons. One, because people are not visiting their banks. Second very important thing is that all customers are trying to go online and trying to do services using apps, using websites and everything. So the banking cost is going to go from manpower recruitment to go for using more servers. So that is going to be more effective and efficient. So banking industry ke liye ye ek bonus hai, is a boon in disguise. What is happening? Second question is about merging of banks. As banks merger, it is a very profitable thing for one bank or both the banks in their balance sheet, and they become stronger. And that is what is important for RBI to do it. Ek aur baat aap agar dhyan se dekhe, I'll just take it a tangent from here. Agar aap ek lane mein dekhe, ek road pe dekhe, to bahut sare ATMs hote hain. आजू बाजू में एक ICICI का, एक HDFC का, एक एक्सिस का, तीनों अलग अलग लोगों को रेंट दे रहे हैं, AC का बिल भर रहे हैं, तीन तीन सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं. इमेजिन कीजिए अगर एक लेन के अंदर एक कंसोलिडेटेड ATM की जगह ली जाए जहाँ पे चारों पांचों ATM हो जाए, तो सारे बैंक का कॉस्ट बचेगा. एंड दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन आफ्टर कोविड, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू सी लुक एट हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट. Automation, technology is going to be one very important thing jahan pe focus karenge, and second is manpower. So manpower ke skills pe aate hain, to we will understand ki manpower ka skills bhi kitna important hai COVID ke baad. Yeah? Shall I move ahead? Yes, sir. Please go ahead. There are questions coming in, which I will keep on asking in regular intervals. Sure. So one very important thing jo आंचल मैम ने भी कहा था वॉज अबाउट कम्युनिकेशन. आई एम यूजिंग द वर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बात वही है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में आपके पास में कुछ चीजें हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, विच इज अबाउट कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स लाइक जूम, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट मीट एक्सेट्रा. ये सारा आपको यूज करना आना चाहिए. यूज करना मतलब सिर्फ उसमें अटेंड करना नहीं, उसके मीटिंग्स लॉन्च करना भी आना चाहिए. एंड समथिंग विच यू कैन डू जूम के ऊपर, ये काफी कुछ फ्री में भी अवेलेबल होता है, कुछ लिमिटेशंस होता है, दैट इज परफेक्टली ओके, बट दिस इज समथिंग विच यू शुड स्टार्ट डूइंग. क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज, डॉक्यूमेंट शेयरिंग लाइक यूजिंग गूगल डॉक्स, वी ट्रांसफर एटसेट्रा, ये वाले टूल्स इक्वली इंपॉर्टेंट आज हो गए हैं इन द इंडस्ट्री.
third important thing is online accounting softwares like QuickBooks accounting, Office 365, SAP, etc. ये सारी चीजें आपको अब आनी चाहिए, because if you do not know this, आप अपने लैपटॉप पे बैठ के घर से काम नहीं कर पाएंगे, because that is what is going to be the need henceforth. अगर आपने देखा हो कि there are two more important things which they say, one is survival of the quickest, जो फटाफट चेंज कर सके, रिमोट वर्किंग एटमोसफियर पे काम कर सके, अडेप्टेबल हो सके, क्लिक बजाते ही चेंज करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए तैयार हो, वो भी इम्पोर्टेंट चीज है. क्यों जरूरी है, अगर आपने देखा हो तो TCS was the first company to announce कि हमारे अराउंड 50-60% लोग घर से काम कर सकेंगे. ट्विटर ने दो दिन पहले ट्वीट किया है कि हमारे 100% एम्प्लॉय घर से बैठ के काम करें तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वॉट इज दिस? दिस इज अडेप्टिंग टू द नीड. Many an IT, ITS company, the entire workforce is working from home. Even I have heard about Reliance Industries ke maximum employees apne ghar se kaam kar rahe hain, and they are working more than what they used to work in the office. 8 ghante office ke andar hota tha, 2 ghante aana jana hota tha, ab wo 12 ghante ghar se baith ke kaam kar rahe hain, apart from ghar ka chula, chauka, jhadu aur pocha. So everything is going to change, and that is where you have to be ready for all this stuff. Forced entrepreneurship, what is this? Gig economy, GIG economy. This is something which is going to affect you a lot, and many employees now, instead of hiring an employee, usko roj office bulane ke, they would say ye task hai, aapko project pe diya, aap complete karo, utna paisa le lo. Ya har mahine aapko retainership pe 5 kaam denge, agar aapne 5 complete kar diye to itna paisa denge, 3 kiye to itna, 2 kiye to itna. No fixed salary, and that is something you will have to learn how to work without the boss sitting on your head, and to take your own ownership. That is the third important thing which you have to remember and develop as a skill. And fourth important thing, you have to be resourceful. Resourceful means somebody who thinks out of the box. ऐसा व्यक्ति जो अपनी सोच बड़ी करता है, जो हर बार ये जाके नहीं कहता है सर मैं क्या करूँ नहीं हो रहा है. He is the person who has his laptop, mobile, work from home, and he has a get it done attitude. Sir, mera internet is chal raha, main kya karun? Bhai, car mein jaake baith, bhai, padosi ke ghar ja, kisi aur se udhar mang, usko sanitize kar aur use kar. But this is something which you'll have to learn to do, because you'll have to be resourceful. Four important things and skills, which if you learn, which you improvise, which were not there before lockdown, post lockdown, this is something which is important, which you have to do. बिफोर लॉकडाउन जो कॉमन स्किल्स है जो अभी भी लगेंगे वो है लर्निंग स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल एंड अटेंटिवनेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स. ये वो पुराने पांचों स्किल है जो जिंदगी भर चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे. एनी क्वेश्चंस? यस सर. यस सर, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रवीना जगतियानी. The person is asking, sir, I want to pursue PhD to become an associate professor by giving the NET exam. Do you think that this will be a right decision or field to choose? As you said that the education might take a curve and every study may go online and lectures may be taken online. So is it that the job vacancy will not be enough? They have a similar question from Ms. Shakshi, I believe. What would be the scenario for the one pursuing MBA? MBA. One of MBA and one okay. of PhD. PhD, yeah. So, okay, two questions now. You want to become a teacher, a professor in a college, and for that you want to do a PhD, nothing wrong. Please do. Will the job market go down immediately? No. Job market is not going down immediately. You must have seen the registrar of SNDT today who logged in into his laptop from his house before going to the meeting. He conducted a webinar with us. He advised us, guided us for some time. This is going to be the future. Oldies like me who are now 40, 50 and who do not know to use technology would become outdated fast if they don't learn. They will find it difficult. But young people like you who would now do PhD, would be in 30s or 40s and have good hand on technology, you would be the person preferred over the oldies who do not want to learn technology. People who would not learn the technology would need an assistant to do it. People who would learn the technology would not need an assistant to do it. They would be preferred over others. So if you want to become a teacher, a professor, do become one.
you would have to know the technology along with it to conduct your virtual sessions. Maybe you could do some more certification in e-learning and instructional design, which is e-instructional design, and that could help you. Let me go to the second question, which was about MBA. MBA in which field is the important question to come in. Let me cover all of them one by one, broad three of them one by one. If you're looking at MBA sales and marketing, awesome. There is never going to be a death for sales and marketing because there's always going to be a higher need. Only thing is you'll have to learn how to do sales and marketing online. You cannot go and visit people, but you can talk to people, do a Zoom call, and have to convince people accordingly. Second comes is MBA finance. Finance, accounting, banking is never going to die. It's always there. Would the market be less? Let me tell you one thing about any MBA. If you're a fresher and you do an MBA, you have a bad time getting into industries if there is no campus recruitment. Why? Because you learn that MBA as a fresher, as a course, not as a practical training curriculum. So if you are a fresher and you have done an MBA, and if the campus this time doesn't help you, it would be difficult for you, true. But if you have done a graduation and you are waiting to get into MBA, I would suggest get a job for 4-5 years, then do your MBA. After that, you could get a double in your salary because your experience and your salary would be the base on which your MBA would help you to double your salary. So for MBA guys, this could be something which you could really look at. Thank you. Shall we move ahead? Please go ahead. Yes, sir, please. So one very important question which comes up, something similar to this is, what do I expect after BCom? BCom karne ke baad kya hai? So let me put this question back to the students. Let me run a poll and ask them, what do you plan after doing graduation? Graduation ke baad, aapka kya plan hai? So I have a question which has only one option you can select. Select your option. What do you think you would like to do after graduation? You can ask a few questions till then, if you have any. 25, 28, 30, 40, 50 people. This one is faster, yeah. There's a question from a person, Sumit sir. The person is asking, kya productive skills ki koi zarurat nahi rahegi? Badhiya question hai sahab. Productive skills ke andar hi ye sab kuch aaya sir, jo screen pe aapko dikhaya tha. Productive skills koi bahut alag nahi hai. Productive matlab kya? Efficiency improve karna. आपके पास इनपुट्स लिमिटेड हैं, आउटपुट आपको प्रोड्यूस करना है. विद ऑल द रिस्ट्रिक्शंस यू हैव, आपके कम इनपुट्स के बावजूद अगर आप आउटपुट क्रिएट करते हैं तो यू आर प्रोडक्टिव. एंड ये सारे जो स्किल्स हमने पिछले स्क्रीन पे देखे वो सारे प्रोडक्टिव स्किल्स हैं. अगर आप प्रोडक्शन स्किल्स की बात कर रहे हैं यानी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यस, प्रोडक्शन स्किल्स की भी आवश्यकता होगी. पर आपका बॉस जरूरी नहीं है आपके साथ शॉप फ्लोर पे काम करे. वो अपने घर से आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहेगा और तब शायद आपको जरूरी होगा ये समझना कि कैसे मैं जूम पे बात करूं, कैसे इंस्ट्रक्शन समझूं, कैसे उनसे कम्युनिकेट करूं. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से अबाउट इट. थैंक यू सर. सर आई वुड लाइक टू से समथिंग ओवर हियर. दिस इज फॉर ऑल द ऑडियंसेस. आई एम गेटिंग सम क्वेरीज लाइक सम पीपल हैव मिस्ड सम ऑफ द स्लाइड्स और सम पार्ट ऑफ दिस वेबिनार because of connectivity issues, because of slow internet connection. So I would like to tell everyone that we are streaming this seminar and webinar live on our Facebook page. So I will just put the link on the chat and you can watch and rewatch the webinar as much as time you would like to from our Facebook page. So you can go over there and see a repeat telecast as well. Thank you. So we'll end the poll. We have around 160 people who have responded and let me share the results with you. Wow. So 19%, 30 out of 180 people are looking at doing a job as an account professional.
around MCOM is around 16, MBA is around 18%, Chartered Accountant 11, Company Secretary 4, Cost Accountant 4, and so on. Work in a job in a CA firm. Now, this tells us very clearly what our young people here in the room are looking at. Yeah. So, what I really want to highlight, one important thing is, yes, you can pursue any field, any profession which you want to, but why are you selecting it is equally important. Whether you want to do post-graduation as an MBA or MCOM or want to do a cost accountant, why you want to do that is the important question. And to answer that, let me bring you to one slide which I have prepared for what the students expect after completing BCom. Many of the students get into a stage of holidaying. And that's true. Being a career counselor, I have met a lot of undergraduate, graduate, and school-going students. Jaise hi graduation khatam hota hai, aur kya karna hai yaar? Bas, bahut ho gaya. Bahut padhai kar liya. Kitne saal padhai kiya? They actually count the number of years and tell me, 15 saal se padh raha hu sir, ab aur kitna padhu? So let me tell you, friends, graduation does not guarantee you a job. No job provider comes searching ki are ek aur BCom mil raha hai, chalo chale, wo BCom na reh jaye, usse hum kaam de. So BCom done, life settled is only there if you're going to enter into business or papa ka business ready hai, aapko jaake dukaan pe baithna hai. If not, then you have to think something else. The second important thing which people have in their mind when they come to a career counselor or when they start thinking is confusion. कि अब उनको टेंशन आ रहा होता है कि यार गुड जॉब कहाँ मिलेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड जॉब, वो सोच रहे होते हैं, या कुछ नहीं है तो चलो पता नहीं क्या करना है तो एक और कोर्स कर डालते हैं. इस कंफ्यूजन के अंदर फ्रॉम बीकॉम दे टेक एमकॉम और एनीथिंग एल्स, ये भी एक दुविधा है. प्लीज प्लीज प्लीज, अगर मुझे ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना है तो जरूरी नहीं है चलना शुरू कर दे, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे. याद रखिए, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है तो आप जहाँ कहीं भी जाओगे वो आपको डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं पहुंचा देगा, एंड यू मे रिपेंट दैट लेटर. अनदर थिंग विच आई हैव सीन, पीपल हु आर वेरी रिलैक्स्ड, आराम पसंद लोग होते हैं, दे लुक एट कैंपस प्लेसमेंट. कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होगा, बस जो भी होगा, जितना होगा अपन सिलेक्ट हो जाएंगे, टॉपर में आ रहे हैं, उसके बाद देखेंगे अगर नहीं हुए तो. सर, दिस इज अ वंडरफुल थॉट, बट दिस ईयर इवन कैंपस प्लेसमेंट इज गोइंग टू गो डाउन, इट्स गोइंग टू डिप. So you will have to take more effort instead of waiting for campus placement. Fourth type of people are who believe in competition. They have already started heading because they know people like you who are doing webinars, who are learning. They have started upgrading themselves because they know this time the competition is different. The competition is not only with their colleagues in their school or college. The competition could be from any person from Satara to Sihor to Sultanpur to Srinagar to Sri Lanka and even South Africa, because organizations are going to hire people who can work from anywhere. And if people are going to work from anywhere, the competition is open worldwide. And this is something which you have to really, really understand, that you have to look for being better than the competition. So if you feel like choosing a post-graduation, you should know why. If you say abhi job nahi mil raha hai, post-graduation ka to achha milega, I don't think so. It's a very, very convincing answer. Seriously. So there is another question, sir. Yeah. Yeah, it's from Pooja Kolpekwar. She wants to know, she's asking, please tell us skills required to commercial jobs and where the skills are available. Skills question which we covered a few minutes back are those very important skills which you have to look at. There are two types of skills. One is the soft skills and hard skills. Soft skills were the communication, interpersonal skills, getting work done, etc. The hard skills are the domain skills which you talk about. If you're from the accounting, banking, finance industry, the skills which are required in that industry. The third, which have now come up, I would call them the lockdown skills or the remote working skills, which we talked about in the previous slide. So these three categories of skills are, Pooja, which are very important for you to learn. If there is a specific job role which you have in mind, I would rather suggest you write an email to any of the hosts or to the email which would be displayed at the last screen,
and then we could come back to you with the specific skills required for that job role. Yeah. Thank you, sir. Okay. So let's take this further. Next question which comes, yeah, something similar to what Pooja asked was, after graduation, how do I get a job directly? Maybe this question would help her further. Let's look at what has to be done post-graduation to do things job directly. One of the things is to learn practical skills. Let me be very clear and talk very candidly here. What you learn in colleges builds your foundation. It gets you conceptual knowledge. It really helps you to get acknowledged with the concepts. And this is very, very important. You learn a lot of interpersonal skills there. You get to do a lot of extracurricular activities, and your leadership skills and co-curricular activities happen, which is there, which is important. Many a times, colleges are not very tuned. They have not tied up with centers like SNDT has tied up. But if you tie up with various centers who bring in practical skills, that is one very important thing which the student should do. Second important thing is every BCom student or any graduate should do at least 3 internships. What do I mean by internships? Every holidays, you should go and work for a company. You should tell them, I have 15 days, 30 days, 1 month, 2 months, whatever holidays you have. I have 4 hours a day. Go and work for them for 1 month, 2 months, and get an internship certificate from them. This is one very important thing to do. If students, you are listening, let me repeat this the third time. Get 3 internships before you graduate. Why internship? Because then you are not a fresher when you are graduating. You have a practical experience. Salary is not important in internship. What you do is important. Then get into creating a resume, post it on job site, build your own video resume. Aajkal video resume banana bahut aasan hai. Mobile hai, laptop hai, Zoom hai. You can create your own video and you can edit it and post it on various sites. Second last, but very important thing, build your own online network through LinkedIn. Waiting for centers to give you job, like what Achal said, assisting you into a job, or what ICA says, 100% job guarantee. I would say you can guarantee yourself 100% job if you do this one thing. You build your own online network through LinkedIn. I visit schools, and let me tell you, there are so many ICSE and IB schools where students of 9th and 10th standard have LinkedIn accounts, and they are connecting with people with in the direction where they want to do career. Students are planning to become atomic energy or physics kender, particle energy scientists, and they connect on LinkedIn with these people and ask them questions and then decide what their career they should do. Why can't you, college graduates, do it? If you are undergraduate, graduate, it is high time you build your own network on LinkedIn and do it. Last but not the least, this lockdown is extended again. Whether extended or not, you have a lot of free time. Please keep yourself updated with online courses if your job is being delayed, and that is very important. Any questions here, or should I take the next question, which is very related? Most of the questions coming are similar to the ones which we have already answered, sir. One question is a bit different. A person wants to know about the scope of digital marketing as a full-time career after BCom. Wonderful career. If you are the guy who has a marketing acumen, jiski nazar bahut achhi hai, if you know how good color combination is, if you understand ki kya screen pe acha dikhta hai aur kya screen pe bura dikhta hai, if you know, if you have that artistic feeling, then you should definitely choose digital marketing, kyunki ye ek very important skill hota hai digital marketers ke liye. Uske alawa definitely yes, digital marketing mein normal routine jobs bhi hote hain, which could be something like managing or working for certain small things, doing those official digital marketing works. But agar aap mein marketing ki thodi si kala hai, if you have that talent in you, then yes, digital marketing is equally wonderful job which you should choose. Kafi log ab digital marketing ki taraf badal rahe hain. Thank you, sir. I will also give a link in the chat box. If you want, guys, you can go ahead and check this. This is a complete digital marketing course platform. You can have a look if you want.
Wonderful. Now, this question which comes to me is, what should be my starting salary and how do I define that? Before answering that, I would like to understand from the students here about their expectations of jobs or salaries. If you, with your current skill, what do you think your starting salary should be? And that is something which I'm going to put across, select one option on the poll. I would expect 100% people to respond to this. क्योंकि अगर मैं अल्लादीन के चिराग का जिन हूँ तो इसे तथास्तु, और आप जितना सैलरी लिख रहे हो आपका एक्सपेक्टेशन आपको उतना पक्का मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा. 150 people have responded. बाकी लोग भी थोड़ा जोश लेके रिप्लाई कर दीजिए. Okay. So around 160 people, 170 people are live out of 2009, I believe. And wait for 10 seconds more and then we'll close the poll. And here are the results. So as you can see on the screen, the orange one shows the highest what people have chosen, and highest is between 15,000 to 20,000, 59%, 59 people, that is 36% people have said that, 10 to 15,000, 36 people, 22%, 20-25,000, around 25% people this. So there is something kind of a equal around 20-20-20 between 10,000 to 25,000. Let me tell you, as a graduate, if you are expecting a salary anywhere between 10 to 25,000, that's a fair, reasonable salary. Nothing wrong about it. Koi aap apne aap ko kam ya zyada nahi samajh rahe hain. There is the science behind how to expect the salary, and that is what we are going to see. I just wanted to see what people here have as an aspiration. Wo humne dekh liya. Ab chalte hain to the science of how to decide, how to expect a salary. So the science behind what should be my starting salary is this. Step one, it depends upon the demand and supply, the job roles, and the city and company where you are looking at. Very, very important thing, if you are in a market where there is a huge demand and the supply is less, you would get a higher salary. As simple as that. Agar aaj मैं ये कहूं कि मार्केट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं और अचानक से रिक्वायरमेंट आ गई है, तो इसमें कोई झूठ बात नहीं है. अगर मैं ये कहूं कि आज लोग वर्चुअल ट्रेनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वर्चुअल ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो वो इंस्टीट्यूट जो वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी डिमांड हाई है और सप्लाई कम है, तो इसमें कोई झूठ बात नहीं है. जिस चीज की डिमांड ज्यादा है और अगर आप उस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सैलरी थोड़ी सी ज्यादा मिल सकती है. सेकंड इज द जॉब रोल. व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब आर यू सिलेक्टिंग? आर यू सिलेक्टिंग अ जॉब विच इज अ ड्राइविंग इंजन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन? आर यू इन द सपोर्ट फंक्शन? अगर आप सपोर्ट फंक्शन में है तो आपकी सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, और अगर आप इंजन में है, ड्राइवर में है ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपका जॉब रोल की सैलरी ज्यादा हो सकती है. उदाहरण के रूप में, इफ यू आर वर्किंग इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म एंड यू आर एन अकाउंटेंट, यू आर द ड्राइवर, वहां पे एडमिन का जॉब, एचआर का जॉब का सैलरी थोड़ा कम होगा, डिजिटल मार्केटिंग के जॉब का सैलरी कम होगा. इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक एंड यू आर एक्चुअली डूइंग द बैंकिंग वर्क और लोन प्रोसेसिंग, योर सैलरी वुड बी हायर. वहां पे भी एलाइड सर्विसेज की सैलरी कम होगी. इफ यू आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहां पे जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो माल को डिजाइन कर रहा है,
उसकी सैलरी ज्यादा होगी, अकाउंटेंट की, एचआर की, सपोर्ट फंक्शंस की सैलरी थोड़ी कम होगी. सो इफ यू चूज एन इंडस्ट्री उसके अगर आप कोर फंक्शंस में हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी. सिटी एंड कंपनी इक्वली इंपॉर्टेंट. सिमिलर जॉब रोल इन मुंबई वुड गेट अ हायर सैलरी मे बी बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड सैलरी सिमिलर टू दैट जॉब रोल इन पुणे और इन औरंगाबाद और इन एनी अदर टाउन्स माइट बी लेसर. And that is something which you have to understand before you quote your own salary. इसके पहले कि आप अपना मन बनाए कितना सैलरी का है. यह है पॉइंट वन. पॉइंट टू है आपको इनपुट्स लेने चाहिए पर किससे. यू शुड आस्क योर सीनियर्स हु आर डूइंग अ जॉब, नॉट सीनियर्स हु आर जस्ट सर्चिंग वन. यू शुड आस्क प्लेसमेंट एजेंसीज एंड प्लेसमेंट मैनेजर्स. आईसीए के प्लेसमेंट मैनेजर से बात कर लीजिए, आंचल मैम से बात कर लीजिए, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग टू गेट यू प्लेस्ड. These will be the people who can give you the right inputs. And HR managers, people who are actually hiring, you should connect with them and ask them. You should also consider three more points. And these are cost of living. Ki aapki cost of living kitni hai. But you cannot say, meri cost of living jyada hai sahab, main car se aata jata hun, mujhe jyada salary chahiye. People would laugh at you. So aapko aapki cost of living change karni padegi. If in Pune you're getting a job in an IT place like Magarpatta, you cannot choose to live in Magarpatta because wahan pe aapka ek flat ka single bhk ka rent hi 20-25,000 hoga, aapka salary 20,000 ke aas pass hoga. You cannot say mera rent 20-25,000 hai to mujhe salary zyada do. No, you'll have to find a flat somewhere near Hadapsar or somewhere else so that your cost of living is lower. Second is your basic needs. You have to understand what is the bare minimum with which you can live and definitely your desires. Agar aap pehli salary se iPhone khareedna chahte hain, khareed sakte hain. No problems at all. But what are your desires? What are your basic needs? And what are your cost of living? Uske upar aap decide karoge what kind of a job role should you go for or what kind of a qualification you should have. So these are those few factors which define how to select a salary. Salary se jura hua ek aur sawal hai. I'll just take that and then maybe I can take a few more questions. One, this question comes very important that how should I select my first job? What is more important, company, salary, job, kya? Iske piche bhi ek thoda sa science hai. First important thing is the company. If you can get through a reputed multinational, a brand is a very good thing. If you cannot go through it, then the job role is equally important. Agar koi national brand hai, koi Indian private limited company hai, to usme aapko kaam kya mil raha hai, usse aap sikhoge kya, wo important hai. Agar waisa bhi nahi hai, तो अगर एक सीए फॉर्म में आप ट्राई कर रहे हो या घर के करीब कोई ऑफिस है वहां पे आप जॉब लेना चाहते हो तो लुक एट हु इज द बॉस, हु इज द ओनर, हु वुड यू बी रिपोर्टिंग टू, क्योंकि उससे आप काफी कुछ सीखोगे, उसका दायरा, उसका इन्फ्लुएंस आप पे ज्यादा रहेगा. तो दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड लुक एट. सैलरी शुड बी ट्रीटेड एज अ बाय प्रोडक्ट एंड नॉट एज द एक्चुअल थिंग. वॉट यू लर्न एंड हाउ यू परफॉर्म मैटर्स इन योर फर्स्ट जॉब एंड दैट इज समथिंग विच यू शुड लुक एट. Most important thing is the last. Your salary should be your byproduct, not the main thing. And you should really look at what you learn and how you perform here. If your boss gives you work more than that of your job role, that is also perfectly okay. You should really look at learning from what you have in this job role. Any questions you want to take? Or I have one more question which have come up in your survey about how to become a manager. I have three more questions to handle and then we are going towards the end. Then we'll end. No? So let me talk about how do I become a manager. Now, manager is not just, we're talking about a designation. We are talking about the steps of from a single person, from an individual contributor to a person who handles people. First thing, take your first job very seriously. Take practical experience of all works, whether it is your job or not. Har cheez ka practical experience lijiye. Aapka pehla job bahut seriously kaam kijiye. Kam se kam 2 saal aapke pehle company mein bitaiye. You would learn a lot of things and your resume will show that you are a stable person. You would be treated for a promotion. Learn new things through online certification. Jo bhi aapne padhai ki hai sab, wo sab outdate hoti jati hai. You'll have to keep on learning. There are a lot of online courses and you should keep doing them. Build good relations with seniors in the organization. Kafi sare accountant, kafi sare engineers
जितने भी टेक्निकल लोग होते हैं उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं हमारे काम से मतलब है, दूसरों से क्या लेना देना, मैं नहीं किसी से बात करता. साहब ये सबसे बुरी चीज है. यू हैव टू बिल्ड रिलेशन विद द पीपल अराउंड यू, यू हैव टू बिल्ड रिलेशन विद द HODs, विद द सीनियर्स अराउंड यू. यू डू नॉट नो विच पर्सन विल हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट जॉब. बिल्ड योर प्रोफेशनल सर्कल थ्रू नेटवर्किंग. गो टू लिंक्डइन, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डू दीज अबव स्टेप्स यू आर डेफिनेटली श्योर यू विल गेट अ 50-100% राइज. अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं देती है तो अगली कंपनी देगी, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल दिखते हैं. जैसे इस फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, यू वुड लुक वेरी सिमिलर, वेरी वेरी स्मार्ट, हु हैज द राइट नेटवर्क, द राइट स्किल्स एंड द राइट बैकग्राउंड. लुक एट व्हाट, आफ्टर दिस वर्क फॉर टू और टू टू थ्री मोर इयर्स, प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम, डू एन MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर फर्दर एजुकेशन. You can get 6 to 12 lakhs per annum a managerial job from campus. Agar aap MBA nahi karna chahte hain, do a certificate course in management. Even then you can get a 50-100% hike in your salary and a managerial post. These are the simple 10 steps which you could really look at to become a manager. Very important from the point of view of being a manager. Sir, there is another question which comes in. I think it will be relevant to this particular slide. Yes, Charmi Gawai, the person wants to know, why do companies take aptitude test? Is it really useful in companies later on? Wonderful question. Let me tell you one small thing. We all as hirers, as HR people who recruit people, want to hire people who are intellectually smart, जिनका की IQ थोड़ा बेहतर है, right? Aptitude tests are considered to be one of those tests which reflect how good your arithmetic skills are, how good are you into your logical reasoning skills, how good are you in your verbal reasoning abilities. So ये जो basic skills हैं, वो समझने के लिए aptitude tests available हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा है कि नहीं है, कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट कंपनी ने सिलेक्ट किया है, वो एक अलग कहानी है. आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन इट. बट हाँ, एप्टीट्यूड स्किल्स आर, एप्टीट्यूड टेस्ट आर वन ऑफ द थिंग्स विच कंपनीज रियली यूज टू डिसाइड कौन से लोग कितने अच्छे हैं. क्योंकि अगर ये बेसिक स्किल्स ही नहीं है तो शायद वो ना भी हायर करें. एटलीस्ट फॉर फ्रेशर्स उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मुश्किल पड़ता है, इसलिए वो लोग ये टेस्ट यूज करते हैं. Any more questions, sir? I don't see any more questions as of now which we have not covered yet. Okay. Chaliye. So let me take this further from becoming a manager to what should you do during the lockdown time. Now, most importantly, अगर आप अभी lockdown के अंदर हैं तो ये चार काम तो आप बिल्कुल कर ही सकते हैं. फंक्शनल, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स के जितने वेबिनार मिल रहे हैं सब अटेंड कीजिए. फ्री है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर फ्री नहीं है तो पैसा भरिए, सर्टिफिकेट लीजिए. हैव अ सर्टिफिकेट दैट यू हैव लर्नड ड्यूरिंग दिस वेबिनार पीरियड, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. जितने ऑनलाइन कोर्सेज एप्स के अंदर हैं, देखिए क्या है क्या नहीं है, उनको सीखने की शुरुआत कीजिए. अपना नेटवर्क बढ़िया कीजिए लिंक्डइन के ऊपर, वो इम्पॉर्टेंट है. और अगर कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेमो क्लासेस कर रहे हैं, कुछ ज्वाइन अप कर सकते हैं तो करिए. क्योंकि पहला सवाल कोई भी एचआर मैनेजर जब आप जॉब के लिए जाओगे 2-3 महीने बाद तो यही पूछेगा कि यार लॉकडाउन में क्या किया. और उस समय अगर आप बोलोगे एंजॉय किया तो बुरी बात है. और अगर आप उस समय ये कहोगे कि मैंने सीखा तो अगला सवाल वो पूछेगा कि क्या सीखा. एंड देन यू हैव टू शो सम सर्टिफिकेट्स और यू हैव टू प्रूव दैट यू रियली डिड इट. फेंकिएगा मत, झूठ मत बोलिएगा. रिक्रूटर्स आर वेरी स्मार्ट, they can very easily understand kab aap sach bol rahe hain aur kab aap jhoot bol rahe hain. So do not fake that. Abhi kya karna, kya care lena chahiye while selecting courses or institutes, let me give you that too right away and then we can have some open discussions if required. Sabse important cheez hoti hai koi bhi rishta banane ke pehle trustworthiness check karna. Anytime you want to check on an institute, you should identify whether it is really trustworthy or not.
कैसे मालूम पड़ता है? तो भैया प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनके वेबसाइट पे जाइए, उनके एल्यूमिनाई या सीनियर्स को से बात कीजिए, उनके अगर कुछ वेबिनार हैं वो अटेंड कीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है, लिंक्डइन वगैरह पे फॉलो कीजिए और उनसे पूछिए व्हाट डू यू थिंक दे आर, चेक रिलायबिलिटी, कितने साल से हैं, देश भर में हैं, एक जगह पे हैं, उनकी वेबसाइट कैसी है, ये सब कुछ से आप उनका रिलायबिलिटी समझ सकते हैं. कंटेंट देखिए कितना अच्छा है, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट उनका ब्रोशर कैसा है, सैंपल बुक के स्नैपशॉट्स देखिए वगैरह वगैरह. हाउ प्रिपेयर्ड आर दे इन देयर टर्म्स ऑफ क्वालिटी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. उनके ट्रेनर्स की क्वालिटी चेक कीजिए, उनके वेबिनार्स की क्वालिटी देखिए, LMS ई लर्निंग कंटेंट उनके पास है कि नहीं ये देखिए. दीज आर दीज थ्री फोर थिंग्स विच आर वेरी कॉमन सेंसिकल, बट यू शुड रियली चेक देम बिफोर पुटिंग योर मनी इन, एंड देन यू शुड डिसाइड वॉट टू डू नेक्स्ट. सो दिस आई बिलीव आर द टॉप 9 क्वेश्चंस विच हैड कम टू मी विच आई हैड टू डू. एनी मोर क्वेश्चंस ऑन चैट्स और एनीथिंग, आई एम ओपन टू आंसर्स. If there is something which I you want me to take other than this, we can. I don't find any questions in chat as of now, but I find some people, they were raising their hands. So okay. I would request everyone, if anybody has any question to Sumit sir, please raise your hand so that I can unmute you and you can go ahead with your questions then. Guys, if anyone has any question directly to Sumit sir, please raise your hands. If no questions, I believe no questions as of now. We can stop our webinar then. We have close to 200 people there live on the webinar, and many more must be on Facebook. Okay. How do you want to end this webinar? I have a question in the chat, sir. Yes, sir. I have done MCOM, was going to prepare for NET, but till then, what new skill can be added or which job can be able to do rather than accounting? MCOM आपने किया है, commerce, accounts, taxation, banking, इस field में अगर आप continue करना चाहते हैं कि नहीं, ये पहला सवाल है. Because if you have selected MCOM, that means you wanted to be in the commerce economics field. So what do you want to do ahead in life? What do you want to become? That is something which is important. If you want to become an economist, then you should go and do some courses in economics. You could do some PhD in economics. You have post-graduation kar chuke hain. But sirf aapne aaj kya kiya hua hai, uske base ke upar decide karna bahut mushkil hota hai. आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप कहाँ पे हैं, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं डिसाइड करने के लिए कि आपने आगे क्या करना चाहिए. आई बिलीव एमकॉम करने के बाद में ऑल फील्ड्स आर ओपन, यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू इन अकाउंट्स, टैक्सेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड डिजिटल मार्केटिंग एज वेल. Okay, some people wants to know how can they become an HR and what skills are required for it. First very important thing to remember, HR में अगर आप आना चाहते हैं तो do have 5 to 10 years of experience in different departments, then come to HR. Don't become an HR after your graduation. First get into a sales or a business operation department, do something in other departments and then come to HR. You would add value to the organization. This is with my experience, I'm telling you, this is very important. If you want to do become an HR, you have a lot of certification courses available in HR, or you can do an MBA HR, and the world is open to you. But if you have not decided, if you are really not in love with human resources, then I would first suggest is iska decision aap 5 saal baad lijiye, aaj abhi jaldi mat kijiye. Okay, I believe that answers the question I was looking for. Okay, there is another question. People wants to know more information about CPA, CIMA, accounts executive. Is it going to impact the COVID-19? Is it going to impact these positions? If yes, then how? Okay, so
अकाउंट्स प्रोफेशनल की पोस्ट जो है वो डिजिटल अकाउंट प्रोफेशनल कहा जाएगा, बिकॉज इट वुड नॉट बी दैट यू विल रियली हैव टू गो टू ऑफिसेज एंड वर्क. यू माइट इवन डू ऑडिट्स ऑनलाइन, यू मे डू टैक्सेशन ऑनलाइन, यू मे डू वेरियस प्रोजेक्ट्स विच यू हैव टू हैंडल इन फिनेंस ऑनलाइन, एंड दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू एवरीथिंग डिजिटली. So that's how it is going to impact the accounts professional's life. Talk about CA, CFAs and all other posts which are through certain examination which you have to give, and then you have to prepare and then you have to get selected. The challenge is going to increase there for the basic reason many students have got a lot of time to prepare. If they have prepared hard and you are one of them, you know that you will have a good and tough competition and the percentage would be higher. And that is something which is going to be the next normal. Okay, I see Mr. Nilesh Paneshwar raising his hand. He wants to ask something maybe. Nilesh ji, I have unmuted you. You can go ahead with your question, please. Hello. Yes, Nilesh ji. Hello, sir. मैं अभी recently पुणे में आया हूँ, मतलब lockdown से पहले. मेरा बीकॉम कंप्लीटेड हुआ है 2015 में. उसके बाद मैंने जो मेरा लास्ट जो एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एफएमसी में था एज अ डेटा एनालिसिस्ट फॉर प्रोजेक्ट था जॉन्डिस प्रोजेक्ट पे. और मुझे जो अभी इंटरेस्ट है जो कि मुझे सीखना है एज अ डेटा एनालिसिस्ट या फिर हमारा जो डेटा कोडिंग होता है यानी कि आईटी कंपनी में जो स्किल होता है जैसे जावा या सीएसएस को मुझे सीखना है, तो उसके लिए आप मुझे कुछ गाइडलाइन बता सकते हैं मैं क्या कर सकता हूँ. जैसे कि कोई मैं हर कोई जैसे बोलते हैं कि कोई कोर्स ज्वाइन करे, मेरी उतनी फाइनेंशियल कंडीशन है नहीं सर कि मैं डायरेक्टली कोई कोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ पे करके. आप मुझे कोई सजेस्ट कर सकते हैं लिंक या लॉकडाउन के बाद जो भी ऑप्शन है आप मुझे बता सकते हो तो मेरे लिए अच्छा होगा सर. डेटा एनालिसिस का दोस्त सबसे बेसिक टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप एडवांस लेवल पे सीख लेते हैं तो आप बेसिक एंट्री इन डेटा एनालिसिस अच्छा कर पाएंगे किसी भी कंपनी में. डेटा एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. बिग डेटा अगर आप गूगल पे सर्च करें और उसके टूल्स देखें तो बहुत सारे टूल्स रहेंगे. हर एक का इंट्रोडक्टरी सेशंस आपको सारी वेबसाइट्स जितनी भी ई लर्निंग वेबसाइट्स है उस पर फ्री मिलेगा. इंट्रोडक्टरी सेशंस आप वो सारे इंट्रोडक्टरी सेशंस अटेंड करके कम से कम उसके बारे में जान सकते हैं. तो इंटरव्यू में जब आप जाएंगे अगर आप एक्सेल में मास्टरी किया और एक्सेल तो आपको फ्री में सीख सकते हो. आपको कंट्रोल आपको F1 दबाना है एक्सेल के अंदर जाके और सेल्फ लर्निंग करना है. ICA के भी कुछ एडवांस एक्सेल के कोर्सेज होंगे. अगर आप इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते हैं तो उनका शायद वो इंटर्नशिप वाला कुछ तो भी एक बढ़िया सी चीज है, उसके थ्रू अगर आप करना चाहें तो देख लीजिए. बट यू कैन डू लर्निंग ऑनलाइन, दैट इज द वंडरफुल पार्ट ऑफ इट. आपके सारे सॉफ्टवेयर जो आपको सीखने हैं उसके यूट्यूब के ऊपर वीडियोज अवेलेबल है. यू कैन अटेंड लेक्चर्स फ्री ऑन यूट्यूब. पैसे की सर आजकल बात कौन कर रहा है? पैसे की बात नहीं सर, क्योंकि लास्ट टाइम लोग नहीं कर रहे. आप कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे. नहीं नहीं सर, लोगों की बात नहीं, मतलब मैं लास्ट टाइम जब आया था स्टार्टिंग में मैंने 2-3 क्लासेस है उनके लिए पूछा था, तो उन्होंने फर्स्ट मुझे पूछा कि आप पहले पे करो उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या है क्या नहीं, इसलिए फिर मैंने वो छोड़ दिया था. थैंक यू कावेरी का एक क्वेश्चन है जो पिछले उसके HR वाले क्वेश्चन से ही है कि किसी और फील्ड से HR में आना कितना आसान है. बहुत आसान है. एक 3 दिन से लेकर के 1 साल के छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं. कोई भी कोर्स कर लीजिए, HR वाले आपको वेलकम करेंगे. कोई टेंशन वाली बात नहीं है कावेरी. थैंक यू सर फॉर द आंसर. सर देयर इज अनदर क्वेश्चन. आई कैन सी डॉक्टर मालविका अलावत हैज रेज्ड हर हैंड. सो डॉक्टर अलावत, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू राइट नाउ. प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन. Thank you, sir. Thank you so much. It's a wonderful session, actually. I'm curious about the rural students because they are in a rural area and their the connectivity is not there. It's a big problem. So for them, what suggestion you will give, sir, that how they can connect with the network and do the courses, online courses? That's a wonderful question, ma'am. मेरे कुछ दोस्त हैं जो जामनेर पाचोरा विच इज
स्मॉल टाउन्स इन भुसावल डिस्ट्रिक्ट, कुछ हैं जो लातूर और उसके आगे हैं, नांदेड़ के पास एक हिंगोली करके शहर है वहाँ से. इफ यू काउंट ऑल दीज सिटीज इन रूरल, लेट मी टेल यू, वहाँ पे भी जियो चलता है और वहाँ पे भी आप यूट्यूब के वीडियोस को डाउनलोड करके रख सकते हैं और यूट्यूब के वीडियोस को देख सकते हैं. अगर वर्चुअल स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं तो इन्हीं वीडियोस का जो रिकॉर्डिंग होता है उसको आप डाउनलोड लगा के छोड़ दीजिए. जहाँ पे भी आपको जब भी दिन में कभी भी थोड़ा सा एंटीना अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा बैंडविड्थ ज़्यादा मिलेगा, ये वीडियोस डाउनलोड होके पड़े होंगे आपके मोबाइल में और आप इन यूट्यूब के वीडियोस को देख के सीख सकते हैं. सो जहाँ चाहा वहाँ रहा, अगर मैं ऐसा कहूँ तो बुरी बात नहीं होगी. नहीं, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है सर. इलेक्ट्रिसिटी मतलब उनका फोन तक चार्ज करने तक इलेक्ट्रिसिटी होल डे नहीं होती है. बच्चों का बहुत तकलीफ होती है कि कैसे स्टडी कैसे किया जाए, फिर इंटरेस्ट चला जाता है उनका, ऐसा प्रॉब्लम. मालविका मैम, जिन बच्चों का इंटरेस्ट चला जाता है उनको आप और मैं बदल नहीं सकते हैं, राइट? और जिनको इंटरेस्ट है वो ट्रैवल करते हैं नियरेस्ट एयरटेल शॉपी पे, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उनका वाईफाई होता है, उस पर वो कनेक्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं और सीखते हैं. मेरे काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं लातूर में गया था फॉर अ करियर गाइडेंस थिंग बहुत पहले, अराउंड 6 महीना पहले, उस समय जब बात हुई थी तो बच्चों ने बताया कि वो कैसे सीखते हैं, कि वो कैसे शहर तक आते हैं, लातूर के बस स्टैंड तक आते हैं, वहाँ पे एक शॉप है जिसका वाईफाई ओपन रहता है, उसमें वो कनेक्ट करते हैं, वीडियोस डाउनलोड करते हैं, घर जाते हैं और एंजॉय करते हैं 2 दिन, फिर 2 दिन बाद आते हैं. मैंने कहा आप एंजॉय करते हो तो बाकी भी कर सकते हो. उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं. एंड दैट इज हाउ आई नो अबाउट द फैक्ट्स मैम. आई नो कि काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम है रूरल में, लेकिन सॉल्यूशन मिल जाता है ढूंढने पे. बट कंपटीशन इतनी है बाहर मार्केट में कि उनके लिए हम लोग सोचते नहीं है कि क्या उनको, मतलब वहीं पे तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको कंसीडर करना चाहिए. मैम उनके लिए आई विल टॉक टू मुकेश, आई विल आस्क हिम टू पुट अप एंटीना देयर वेरी सून. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. I see, I don't know the name, it says Redmi guest. He or she has raised up their hand. I'll just unmute Redmi. The person who have, put up your hand can go ahead with your question, please, if you want to. Redmi guest. How can I tackle the interview? Wonderful question, ma'am. आपने ये जो सवाल डाला है, how do I tackle interview, ma'am? ये आप YouTube पे डाल के enter दबाइएगा, you will get 1000 videos on it, ma'am. और अगर आप अभी मेरे से जवाब चाहते हैं तो मुझे अराउंड 4 घंटा लगेगा उससे बात करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू ट्रेनिंग जो होता है, इंटरव्यू का कोचिंग जो होता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, राइट? तो सबसे आसान तरीका और सबसे सीधा तरीका जी मैम बोलिए. ओके, हाउ कैन आई इंप्रूव माय इंग्लिश? वंडरफुल. ये क्वेश्चन आपका नहीं है, किसी और का है, क्योंकि आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है. तो जिनके लिए आप चाहते हैं ये वीडियो जो इंग्लिश सीखे, नहीं, बेसिक इंग्लिश इज ओनली फ्लुएंट. ओके, सो गेट इनटू फ्लुएंट इंग्लिश मैम. देयर आर अराउंड 500 plus apps available free of cost to improve your English. Watching videos and English videos is definitely one way. But अगर आप apps use करते हैं तो उससे आपकी English ज़्यादा जल्दी fast improve हो सकती है. And what courses I after BCom I have to do? Hello. What courses I? क्या आप करना क्या चाहती हैं? What do you want to do after BCom? What is your aim in life? आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं वो बताइए. In HR. If you want to get into HR after BCom, as a fresher, then the best thing is to start applying for jobs. You should start applying for jobs. You should do a certification course. You could do a certificate CHRM course.
That's a certificate in human resource management. Google पे सर्च करोगे तो मैम उसका लिंक मिल जाएगा एंड देन यू कैन अप्लाई. ओके थैंक यू. चलिए. So Rich has put one question, sir. We do not know some answers in interview. What should we do? If you do not know certain answers about questions in interview, it's perfectly okay to say I don't know. और अगले इंटरव्यू में उसकी तैयारी करके जा सकते हो. वो क्वेश्चन आप यूट्यूब पे डालिए, आपको उस क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, सुनिए और फिर खुद का आंसर क्रिएट कीजिए और आंसर दीजिए. Lovely. I think that answers the question. So there is another person, Tejasri Buddhisagar. The person wants to ask something, has raised up their hand. So Tejasri ji, I have unmuted you. You can go ahead with your question, please. Hello, sir. Yes, ma'am. First of all, the webinar was very good and informative. Got to know many new things about our how should we decide our salary and how should we update ourselves. I am got to understand much of the things. And my doubt, actually it is not a doubt, but I want to ask that I have to pursue my CA course. So I have to start from the beginning, but now my age is 25. So how would it be right to start my CA course, or should I do some course, accounting course, or how about ACCA or CPA or CIMA? Wonderful. So one small thing which we should always remember is any competitive exams like CA, ICWA, CS requires a lot of hard work, and you don't get selected in the first year many a times, right? Averagely, a student takes around 3 to 6 years to complete his chartered accountancy. 6 years ka time usko lag jata hai. So if you have 6 years of time in your hand and you're ready to invest 6 years, you should definitely choose CA, CS or anything. I'm not saying ki aapko 6 saal hi lagega, but that's what 3 to 6 years is an average time which we have normally seen. आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छा है तो आप एक्चुअली आई हैड अटेम्प्टेड 3 times व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय बीकॉम. सो आई वाज नॉट सक्सेसफुल एट दैट टाइम, बट नाउ आई वांट टू डू इट. सो दैट्स व्हाई आई वाज वंडरफुल. सो यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड इट. या इफ यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड इट, सो यू हैव टू लुक बैक कि उस समय हमने क्या गलती की थी, कितना कम पढ़ाई किया था जिसके कारण हम नहीं सेलेक्ट हो गए, या फिर एक्सटर्नल कोई फैक्टर था. अगर आप CA CS की तैयारी में पिछली बार 8 घंटे रोज के दे चुके हैं, अराउंड 8 hours a day for around 6 months of time, then there's a high chance you would get selected. But अगर आप दिन में 8 घंटे focused नहीं दे पाते हैं, focused नहीं दे पाते हैं और 6 महीना नहीं दे सकते हैं, सो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि everybody is not God gifted and talented. So हमें 6 से 8 घंटा पढ़ाई और 6 से 8 महीना एक एग्जामिनेशन, एक सेट ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट है. और अगर आपके पास वक्त है, फाइनेंशियली आप अवेलेबल हैं कि आप और 2-3 साल दे के आराम से क्लियर कर सकते हैं, 2 साल 1 साल, सो यू शुड ट्राई फॉर इट, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. ओके सर, एक्चुअली मेरी तो इकोनॉमिक कंडीशन तो इतनी अच्छी नहीं है, पर मुझे फिर भी वो करना है, क्योंकि जो सीए का जो रहता है तो उसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा रहता है ना मैम. सीए का प्लेसमेंट अच्छा होता है, 30,000 से 40,000 रुपया पगार मिल जाता है सीए बनने के बाद में. उसको 3 से 4 साल लगता है. अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट है, अकाउंट्स प्रोफेशनल है, तो आप 4 से 5 साल के अंदर 30,000 से 40,000 सैलरी तक आराम से पहुंच सकते हैं. उसके बाद का जो ग्रोथ है उसके अंदर फर्क आता है. उसके बाद में सीए का जो ग्रोथ होता है वो 1,50,000-1,50,000-2 लाख तक जाता है. अकाउंट्स प्रोफेशनल का जो ग्रोथ है वो 60,000-70,000 तक, 80,000 तक जाता है महीने का. ये फर्क. ओके. और सर मैं अभी ये जो अकाउंट्स का कोर्स कर रही हूँ ना GST का, मैंने SNDT जो है तो ये अभी मैं कोर्स जो है वो मैं कर रही हूँ, तो इसका कुछ फर्क पड़ सकता है क्या CA पे, और अच्छी तरह से मैं कर सकती हूँ क्या?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीएसटी का कोर्स आपके लिए इंटरव्यू में फायदेमंद रहेगा, आपको टैक्स का नॉलेज है वो रियली हेल्प करेगा। सिर्फ एक चीज का ड्रॉबैक रहेगा कि आपके अगर कंपैरिजन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको कि टैली का भी नॉलेज है, जीएसटी का भी नॉलेज है, जिसको कि आरओसी का भी नॉलेज है, जिसको कि ईआरपी का भी नॉलेज है, तो फिर आपका वैल्यू थोड़ा सा कम रहेगा, उसका वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और अगर कोई सिर्फ ग्रेजुएट है उससे आप बेहतर रहोगे। सो आप बेहतर रहोगे, बेस्ट रहोगे कि नहीं रहोगे एज फार एज क्वालिफिकेशन इज कंसिडर्ड नहीं कह सकते। तो एंट्री करने के लिए आपको रेज्यूमे में एंटर करने के लिए और रेज्यूमे को सिलेक्ट होने के लिए दिस वुड बी फार बेटर देन फ्रेशर्स। ओके मैम, ओके सर। और ये जो मुझे एक्चुअली जो लैंग्वेजेस है ना, कंप्यूटर के लैंग्वेजेस, उसमें भी इंटरेस्ट है, वो मुझे करना है। पर एक्चुअली का कैसा है कि अभी ये जो कॉमर्स के जो लोग रहते हैं तो उनके लिए उसमें कुछ एंट्री के लिए है क्या, कुछ स्कोप रहता है क्या, या फिर कंप्यूटर? मैम आप कंप्यूटर आप कभी भी सीख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए बेसिक कोर्सेज होते हैं अवेलेबल जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। एंड देयर इज लाइक यू विल हैव टू रियली सी आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स कितना अच्छा है, आपका जो अल्गोरिदम या लॉजिकल थिंकिंग कितना अच्छा है। अगर वो अच्छा है तो ही आप कंप्यूटर्स के एरिया में जाइए, अदरवाइज आपको पसंद है इसलिए मत जाइए, क्योंकि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पसंद है और आप किसमें बेहतर है, किसमें अच्छे हैं, ये दोनों चीजें चेक कीजिए और फिर अपना करियर डिसाइड कीजिए मैम। ओके, नहीं सिर्फ ये सीखने के लिए, ये जो हमें कैसा। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इश्यूज विद तेजस्वी जी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर क्वेश्चंस। सुमित सर सुमित अरोरा जी, अभी हमारे जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 500 टू 600 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एनरोलमेंट किया था फॉर दिस वेबिनार, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। लाइक आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम द कैंडिडेट्स, सो मैंने ICAA से रिक्वेस्ट की कि अगर आप लाइव लिंक शेयर करेंगे तो वो स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट होगा। एंड आई एम हैप्पी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये लाइव फेसबुक का देख रहे हैं तो उनको भी इसका नॉलेज मिल रहा है। एंड द सेकेंड थिंग कि स्टार्ट टू एंड, मतलब जितने भी स्पीकर्स ने आपके साथ कम्युनिकेशन किया है सभी लोग ने ये बोला है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मीन्स हम सबको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। लाइक आफ्टर द लॉकडाउन आपको जो अपॉर्चुनिटी फर्स्ट की मिलती है यू नीड टू ग्रैब इट एंड